अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले महीने आपने किस चीज़ के पीछे कितना खर्च किया है, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आप उसका कोई सही जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बहुत बड़े जहाज़ के नीचे भी अगर एक छोटा सा होल रह जाए तो फिर वो बड़ा सा जहाज़ भी पानी में डूब सकता है। ऐसे ही अगर आप अपने फिजूल के खर्चों को लेकर अभी अवेयर नहीं होते हो, तो हो सकता है फ्यूचर में इसी वजह से ही आपको बहुत बड़े मुश्किल का सामना करना पड़े। और अपने फिजूल के खर्चों के बारे में अवेयर होने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर महीने की सारे खर्चों को किसी एक जगह पर रिकॉर्ड करके रखना। अब इस रिकॉर्ड करने का काम सिंपल करने के लिए आप अपना खुद का स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका स्मार्टफोन ही अभी आपका हर वक्त का साथी है। एक ऐप है मनीफाई नाम का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे यूज़ करके बहुत सिंपल तरह से और बहुत आसानी से ही आप जब भी कोई पैसा खर्च करोगे, तभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन खर्चों को उस ऐप में आप एंट्री करवा सकते हो, जिससे शायद महीने के आखिर में आके आप बिल्कुल क्लियर तरीके से देख पाओगे कि आपकी इनकम की ज़्यादातर शायद 20% या फिर उससे भी ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ फिजूल के खर्चों के पीछे ही बर्बाद हो रहे हैं, जिन चीज़ों की सच में कोई ज़रूरत नहीं थी। तो तब जाके आप अवॉर्ड हो सकते हो, नहीं तो आप कभी भी ये जान ही नहीं पाओगे कि हर महीने आपके कितने पैसे फिजूल के खर्चों के पीछे बर्बाद हो रहे हैं, और जिस वजह से आप कभी भी इस बारे में अवेयर ही नहीं हो पाओगे। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस। पैसे सेव करने के मामले में सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है फिजूल के खर्चे आइडेंटिफाई करना, और अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो उसके बाद उन सबसे खुद को दूर रखना। ऐसे में जो टेक्निक आपको मदद कर सकता है वो है आस्क एंड वेट। हम लोग काफ़ी समय एडवर्टाइजमेंट के विक्टिम होके या डिस्काउंट के लालच में आके ऐसी कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं जिन चीज़ों की हमें सच में कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए आप जब भी कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जिसे लेके आप कंफ्यूज हो कि हो सकता है शायद आप ये फिजूल के खर्चे कर रहे हो, तो तब ऐसी चीज़ खरीदने से पहले आपको 2 स्टेप्स हर वक्त फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है आस्क, सच में क्या इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, या दूसरे किसी वजह से, या जस्ट शो ऑफ करने के लिए मैं इस चीज़ को खरीद रहा हूँ। अगर जवाब आए नहीं, सच में कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं बनता है उस चीज़ को खरीदने की। लेकिन अगर जवाब आए कि हाँ सच में ज़रूरत है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आइए जो है वेट। 3 दिन वेट कीजिए और फिर से खुद को वही सेम क्वेश्चन कीजिए, सच में क्या अभी भी मुझे इस चीज़ को खरीदने की कोई ज़रूरत है। फिर तब भी अगर जवाब आए हाँ, तो तब जाके उस चीज़ को खरीदना है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, आस्क एंड वेट। एक सर्वे से पता चला है कि 56% के करीब लोग इमरजेंसी फंड के हिसाब से कोई भी पैसा अलग करके नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर एक इंसान की लाइफ में एक ना एक बार फिनेंशियल इमरजेंसी दिखाई देती ही है, फिर चाहे वो नौकरी छूट जाने की वजह से ही हो या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ही क्यों ना हो। इसलिए फिनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हमें हमेशा मिनिमम अपने 6 महीनों की लिविंग एक्सपेंसेस अलग करके इमरजेंसी फंड के हिसाब से अलग से रख देना चाहिए, जिससे लाइफ की किसी भी तरह के इमरजेंसी में भी हम स्ट्रेस और एंजाइटी से टूट ना जाए। और इस पैसे को बिल्कुल एक अलग बैंक अकाउंट में, जिसका कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, वैसे अकाउंट में रखना होगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ सही में इमरजेंसी के अलावा हम उस पैसे को हाथ ना लगाए। इसलिए अगर आप भी उस 56% लोगों में से एक हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज ही एक बैंक अकाउंट खोलिए और एक अफोर्डेबल प्लान बनाकर धीरे धीरे अपने 6 महीनों के लिविंग एक्सपेंसेस उस अकाउंट में जमा करके अलग से रख दीजिए। ये आपकी लाइफ में सबसे मुश्किल वक्त में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि जब आप कोई काम नहीं कर पाओगे तब आपका सेविंग्स आपके लिए काम करेगा। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। पैसे सेव करने के बारे में हम में से बहुत लोगों का सोच कुछ ऐसा है, महीने के सारे खर्चे मिटा के उसके बाद जितने पैसे बचेंगे उसे हमें सेव करना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड के फेमस सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ठीक इसका उल्टा सजेस्ट करते हैं। उनके कहने के मुताबिक हम सबको पहले सेव करके फिर उसके बाद बाकी पैसों को खर्च करना चाहिए। हम सबको पहले खुद को पे करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को पे करना चाहिए। इसलिए सैलरी मिलने के बाद ही सबसे पहला काम है सैलरी का एटलीस्ट मिनिमम 10% पैसे सेविंग फंड्स में अलग से रख देना। इसके बाद सैलरी का और एक मिनिमम 10% पैसे इन्वेस्टमेंट फंड में रख देना। जो पैसे सही वक्त और सही मौके ढूंढ के हमें इन्वेस्टमेंट की काम में लगाना चाहिए, और बाकी के 80% पैसे से हमें महीने के बाकी सारे खर्चे मैनेज कर लेना चाहिए। अब इसे सही तरह से करने के लिए आपको पहले मिनिमम 1 महीने के लिए अपने खुद के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद उस हिसाब से प्लान करना होगा कि सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस के बाद आप अपने सैलरी से कितना 10% या फिर उससे भी ज़्यादा सेव कर सकते हो। उसी तरह से महीनों के शुरू में ही उस परसेंटेज ऑफ अमाउंट पैसे को सेव करके अलग से रख देना होगा। और अब तो हर बैंक में ही ऑटोमेटिक डिडक्शन की फैसिलिटी दिया जाता है, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। ये अगर आप एक बार अपने बैंक अकाउंट में चालू कर लोगे तो आपको खुद से कुछ करना नहीं पड़ेगा,
हर महीने में आपके अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी डिडक्टेड होके ऑटोमेटिक अलग से सेव हो जाएगा। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 4, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। ये सारे आइडियाज़ मुझे जॉर्ज क्लेसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबिलियन से मिला है, इसलिए अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।